प्रश्न 7। ए भी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी है। दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम त्रिभुज ई बी पी ए डी बराबर ए बी। तो प्रश्न 7 का हम पहले आकृति को बना लेते हैं। तो ए बी उसके बाद ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। क्या है? पी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि एपी बराबर बीपी। देखिए एपी जितना दूर है उतना ही बीपी है। उसके बाद यहां से देखिए इस तरह से एक रेखा आया है और उसी तरह यहां से इस तरह से। ठीक है, ये है आकृति। यहां पे डी है और यहाँ पे ई है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें? ए बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये ए पी और पी बी बराबर है, ए पी और बी पी बराबर है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु है इस प्रकार है कि कोण बी ए डी, देखिए कोण बी ए डी यानी ये जो कोण है बराबर कोण ए बी ई यानी ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो कोण बी ए डी और कोण ए बी ई यानी ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। और कोण ई पी ए, देखिए ई पी ए यानी ये जो कोण है किसके बराबर है, तो कोण डी पी बी इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज डी ए पी, देखिए डी ए पी यानी इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम त्रिभुज ई बी पी यानी त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम है त्रिभुज ई बी पी। तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करना है। तो सर्वांशम जब सिद्ध हो जाएगा यानी दर्शा देना है, दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी यानी देखिए ये त्रिभुज और ई बी पी ये त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दर्शाना है। तो जब सर्वांशम दोनों हो जाएगा तो ए डी बराबर, देखिए ए डी बराबर बी ई हो जाएगा क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, चूंकि क्या दिया हुआ है हमें, कोण ई पी ए, देखिए कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, कोण ई पी ए और कोण डी पी बी ये दोनों कोण बराबर है। देखिए ये जो कोण है ये दोनों कोण बराबर है और बीच में इतना जगह है। देखिए ये कोण, अगर ये कोण हम जोड़ दें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, तो ये तो हमें दिया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। अब लिखेंगे या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई, कोण डी पी ई बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी जोड़ कोण डी पी
तो कोण डी पी ई को, देखिए कोण डी पी ई को हम बराबर के बायां तरफ भी जोड़ देंगे और बराबर के दायां तरफ भी। तो कोण डी पी ई यानी इस कोण को, देखिए ये जो कोण है डी पी ई, इस कोण को अगर हम ये दोनों कोण के साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी भी है, और कोण ई पी ए में हम कोण डी पी ई जोड़े हैं, तो कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई बराबर हो जाएगा कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी ई। तो कोण डी पी ई को दोनों तरफ जोड़ दिए हैं इन दोनों के, यानी बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, तो क्या हो जाएगा? तो कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी, देखिए कोण ई पी ए, ई पी ए तो ई पी ए में अगर हम कोण डी पी ई जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको लिख देंगे, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? ए पी डी, देखिए कोण ए पी डी ये पूरा कोण हो जाएगा ये दोनों कोण को जोड़ने पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम क्या होगा? ए पी डी। तो हम लिख देंगे अतः कोण ए पी डी, ए पी डी बराबर होगा कोण, अब देखिए कोण डी पी बी में, डी पी बी में अगर कोण डी पी ई को जोड़ दें तो डी पी बी में, देखिए इस कोण में अगर हम डी पी ई को जोड़ दें, इस कोण को जोड़ दें, बीच वाला जो है इस कोण को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ये पूरा कोण हो जाएगा, तो इस कोण को हम क्या नाम देंगे? डी पी ई, ये माफ कीजिए बी पी ई, देखिए ये दोनों कोण को जोड़ने पे यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, तो इस कोण को हम नाम क्या देंगे? बी पी ई। तो हम लिखेंगे बराबर कोण बी पी ई, बी पी ई, ठीक है? तो क्या आ गया हमें? कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी, इसको हम पहला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पहला, क्योंकि आगे इसका काम होगा। अब लिखेंगे अब त्रिभुज, अब जो सर्वांशम सिद्ध करना है उसको हम ले लेते हैं, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी पी में, तो दोनों त्रिभुज ले लिए हैं जिसको सर्वांशम सिद्ध करना है, कौन कौन? तो त्रिभुज डी ए पी, डी ए पी, देखिए ये जो त्रिभुज है त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी, ये दोनों त्रिभुज को हम ले लिए हैं क्यों? इन दोनों को त्रिभुज को सर्वांशम सिद्ध करना है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में कोण, ये कोण इसके बराबर है दिया हुआ है हमें, ये कोण जो है देखिए कोण बी ए डी, कोण ए बी ई के बराबर है, ए बी ई के बराबर, ये दोनों कोण बराबर हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कोण डी ए पी बराबर होगा कोण ई बी पी के, तो लिखेंगे कोण डी ए पी बराबर कोण ई बी पी, ई बी पी ये हमें दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिया है। और क्या दिया हुआ है? तो देखिए ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी ये हमें दिया हुआ है क्योंकि पी मध्य बिंदु है, तो देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज डी ए पी में ए पी आ रहा है और त्रिभुज ई बी पी में बी पी आ रहा है, तो ये दोनों बराबर है, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में ए पी, देखिए ए पी बी पी के बराबर है, तो ए पी बराबर बी पी ये भी हमें दिया है, तो इस तरह कर देंगे दिया है सामने सामने। और कोण हम जो सिद्ध किया अब उसको लिखेंगे, कोण ए पी डी, देखिए कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी, बी पी ई क्यों? तो पहला हम इसको लिखे थे तो लिख देते हैं पहला से, इसलिए हम वहां पे पहला लिखे थे, पहला से
तो पहला से क्या हो गया, कोण एपीडी बराबर कोण बीपी। देखिए त्रिभुज डीएपी में, डीएपी में कोण एपीडी यानी ये जो कोण है, त्रिभुज ईबीपी में, ईबीपी में कोण बीपी, बीपीई ये जो कोण है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज में तो भुजा कोण भुजा से, देखिए भुजा कोण भुजा, माफ कीजिएगा, कोण भुजा कोण, देखिए कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, देखिए कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समांसम। तो लिखेंगे यहां पे, अतः त्रिभुज डीएपी, देखिए त्रिभुज डीएपी और त्रिभुज ई बी पी लिए थे, अतः त्रिभुज डी ए पी समांसम त्रिभुज ई पी बी, ई बी पी, ई बी पी कौन सा नियम से, तो कोण भुजा कोण यानी ए एस ए। ठीक है, कोण भुजा कोण से, तो कोण भुजा कोण को लिखते हैं एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण। तो ए एस ए से ये हो गया समांसम। तो जब त्रिभुज दोनों समांसम हो गया तो उसका संगत भाग क्या होगा, सब बराबर होगा, यानी जो भी उसमें तीनों कोण तीनों भुजा क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर। तो लिख देंगे अतः देखिए ए डी, ए डी बराबर बी, तो ए डी बराबर बी, ये कैसे होगा, तो सी पी सी टी से यानी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो ए डी बराबर बी, ए डी देखिए त्रिभुज डी ए पी में, डी ए पी में ए डी आ रहा है, त्रिभुज डी ए पी में ए डी आ रहा है और त्रिभुज ई बी पी में क्या आ रहा है, बी, देखिए बी ई, बी ई। तो जब दोनों त्रिभुज समांसम हो गया तो ए डी और बी ई भी बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं ए डी बराबर बी, समांसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो इस तरह से प्रश्न 7 हल करेंगे।